यूट्यूबर खान सर के ऊपर एफआईआर हो गई है। बिहार पुलिस ने आज एफआईआर की है। बिहार पुलिस ने ऐसा स्टेप इसलिए लिया है क्योंकि जो रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर जो हिंसा हो रही है चारों तरफ, उसमें खान सर के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। बिहार पुलिस का कहना है कि जो लड़के हिंसा कर रहे हैं इस रिज़ल्ट को लेके, उन्होंने एक खान सर का वीडियो देखा था। उस खान सर के वीडियो में ये लिखा था कि सड़क पे आ जाओ और हंगामा करो अगर ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है। खान सर ने अपना एक्चुअल नाम कभी भी किसी को बताया नहीं है। कुछ लोगों का दावा है कि उनका नाम अमित सिंह है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनका नाम फैसल खान है और वो गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये ध्यान देने की बात है कि वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, और खान सर का ये कहना है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उनसे कहा है कि वो अपना एक्चुअल नाम और टेलीफोन नंबर कभी किसी को बताएं ना। किन्हीं वजहों से स्टूडेंट्स ने उनको धीरे धीरे खान सर कहना शुरू कर दिया, और वैसे ही उनका नाम खान सर हो गया। और आज वो यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ बनाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। इन्होंने ये भी कहा है कि जब सही समय आएगा तो उनका एक्चुअल नाम सबको पता लग जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी ये कहा है कि ये जो एफआईआर की गई है खान सर के ऊपर, इससे और ज़्यादा हिंसा बढ़ सकती है चारों तरफ। खास बात ये ध्यान देने की है कि जब एफआईआर हो गई है तो खान सर ने एक और वीडियो रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने अपील की है सारे स्टूडेंट्स से कि वो एकदम पीसफुल रहें, एकदम हिंसा से दूर रहें और किसी भी तरह का कोई हिंसा सड़कों पर ना करें।